सर एक पूछ लो जी सर। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है और जब भी उड़ीसा आते हैं तो इतना ही प्यार मिलता है और इस बार और ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और आई थिंक जब भी यहाँ पे टीम आती है, चाहे खेलने आए चाहे मेडल के बाद आए, हमेशा अच्छा लगता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो जर्मनी से नहीं, बहुत क्लोज मैच था। आई थिंक जो हमने चांसेस बहुत सारे क्रिएट किए हैं, बट इस टाइम आप बोल सकते हो लक नहीं था, आउट ऑफ टारगेट गए हमारे थोड़े चांसेस। बट आई थिंक सेम ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट मैच होता है टूर्नामेंट का और जीतने पर बहुत खुशी मिलती है। और हमारी यही कोशिश थी कि हम अगर जो हम ड्रीम लेके गए हैं और नहीं पूरा हो सका बट हमारे पास स्टिल ब्रॉन्ज मेडल है, तो हम वही माइंडसेट से गए थे कि हम जीत के निकलेंगे बाहर और आराम बैक टू बैक मेडल जीते हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ओडिशा लगातार स्पॉन्सरशिप हॉकी कर रहा है और आज ओडिशा में आए हैं, सभी लोगों से मिलने वाले हैं, क्या जी? देखिए, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और अच्छे स्टेडियम हैं, अच्छी ग्राउंड्स हैं और डेवा से इतनी सपोर्ट मिल रही है उड़ीसा गवर्नमेंट की। और इतने बड़े मेजर टूर्नामेंट को यहाँ पे करवाना, क्राउड को साथ में जोड़ना और क्राउड की सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। और मैं बिहाफ ऑफ माय टीम, मैं सब उड़ीसा गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इतना सपोर्ट कर रही है हॉकी को। सर थैंक यू, ग्रैंड वेलकम बॉय सर आपका। हो गया सर, पहला क्वेश्चन यही था।